अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। गाइस बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन क्या बहुत महीने गुजर गए हैं, न्यू व्लॉग नहीं अपलोड किया। तो अभी मैं पाकिस्तान आया था, 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि न्यू व्लॉग वगैरह अपलोड करूँ, मेहमान इतने आ रहे हैं मिलने के लिए तो टाइम नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में भी आके। आज फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि टाइम निकाल के अब थोड़ा सा व्लॉग वगैरह बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह सुबह से, अब देख रहे हैं आप मेरे बाल वगैरह गंदे पड़े हैं, सुबह से अभी तक जो है ना वो सिर्फ फ्रेश होके नाश्ता किया था, उसके बाद दिन का खाना नहीं खाया और अभी नहा के अभी एक और जगह पे जा रहा हूँ। तो वापस आके इंशाल्लाह अगर जल्दी वापस आ गया तो बाकी की स्टोरी आपको बताऊंगा कि दुबई से मुझे क्या क्या मुश्किलात हुई आने में और पाकिस्तान में पहुंच के मेरा वेलकम कैसे हुआ। तो फिर इंशाल्लाह आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और अभी मैं बैठा हूँ अपनी छत पे, फिर आपको चलें अभी दिखा देता हूँ। अभी जो मतलब हमारे छत पे खड़े हो के साइड से मतलब के जो आसपास का नज़ारा आता है वो इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं। तो चलें आपको व्यू दिखाते हैं ज़रा। अभी शाम का टाइम है और ये आप देख सकते हैं, ये सामने हमारे, ठीक है, और ये पूरा ऐसे सामने पहाड़ हैं सारे, ये आप देख सकते हैं पूरा ऐसे बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। शाम के टाइम तो ऐसे खूबसूरत व्यू आता है, इस साइड पे सूरज है तो इस साइड पे कुछ नज़र नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं इधर इस साइड पे पूरा ऐसे, अभी तो सूरज ऊपर है तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो शाम के टाइम इंशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू आता है इस पर, ठीक है। तो अभी जाते हैं नीचे, अभी होते हैं रेडी, तो फिर इंशाल्लाह बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अभी अम्मी भी आई थी ऊपर बुलाने के लिए कि जल्दी से आओ और रेडी हो के फिर चलते हैं। तो बाकी फिर इंशाल्लाह करते हैं व्लॉग आपसे कंटिन्यू, खुदा हाफिज़। नीचे ये हमारे मलिक तैमूर साहब, ये तैमूर साहब हैं, छोटे मलिक साहब हैं, ठीक है। और इस इनसे छोटे मलिक साहब ये लेटे हुए सोए हुए थे और अभी ये जागे हैं। अरसलान साहब हैं, ये अरसलान साहब आए कर दें, अरसलान साहब अभी फुल जो है ना वो नींद में हैं, तो अरसलान साहब को पता नहीं है कि क्या बोलें और क्या बात करें। तो बाकी अभी मेरी अपनी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी है और बाकी इंशाल्लाह रेडी होके फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है जी गाइस। तो मैं अभी हो गया हूँ रेडी जाने के लिए, तो अभी आपको फुल आउटलुक दिखाते हैं कि क्या क्या मैंने पहना है। तो ये मेरे पर्सनल सेक्रेटरी साहब हैं अरसलान साहब, अरसलान साहब ये ज़रा फ़ोन पकड़िएगा ज़रा, इसी तरह पकड़िए, ये आप देख सकते हैं। अभी हम फुल रेडी हैं जाने के लिए और आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि कैसा लग रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में और कीप सपोर्टिंग मी, चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ। खुदा हाफिज़।